सी छिड़ गई है। वहीं अगर कहें तो सभी का एकमात्र टारगेट केवल सनातन धर्म ही बना हुआ है। सनातन धर्म को गाली देना तो एक आम सी बात हो गई है, जिसके जो मन में आता है वो बोल कर चला जाता है। विपक्ष तो हमेशा से ही सनातन को खींचने के फिराक में रहता है। पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र बना भारत, जो अपनी संस्कृति और धार्मिक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ दूर दूर से लोग संस्कृति और धर्म का ज्ञान लेने के लिए यहाँ आते हैं। देखा जाए तो काशी को धर्म नगरी कहा जाता है, जो आदि अनादि शिव के कठोर तप का तीर्थ नगरी कही जाती है। वहीं आज उसी भारत के लोग उसी सनातन धर्म के लिए अपने मुंह से अपशब्द निकाल देते हैं। समझ में तो ये नहीं आता कि आखिर धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले वो घटिया लोग अपने मुंह से ये अपशब्द आखिर निकाल कैसे देते हैं। कुछ दिन पहले सनातन को डेंगू और कोरोना बताने वाले एक नेता उदयनिधि स्टालिन का बयान सामने आया था, जिस पर अभी तक जमकर राजनीति हो रही है। जिसे देखते हुए तीर्थ नगरी काशी में योग गुरु बाबा रामदेव का एक ठोस बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को टारगेट करने वालों के लिए कहा है कि जो सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं उन्हें 2024 में मोक्ष मिलने वाला है। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखो, जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। काशी एक शाश्वत नगरी है, ये अनादि और अनंत शिव की उपासना का एक महातीर्थ है, विद्या वैदुष्य की नगरी है और ये मोक्ष नगरी है। इसमें दिव्यता तो युगों युगों से थी, मोदी जी ने इसमें भव्यता और दे दी है और अब पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र बनी है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत का यह महातीर्थ काशी अपने पूरे वैभव के साथ अब पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र बना है। हेल्थ टूरिज्म, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म, नॉलेज टूरिज्म और सबसे बड़ा जो कल्चरल टूरिज्म है, सनातन धर्म का मर्म काशी में है।